अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह का टाइम है और स्कूल जाने का, आज मंडे है, आज स्कूल लाजमी जाना है और आज तो हम बुला नहीं और सब बच्चों ने भी जाना है। छोटी वाली जिद कर रही थी नहीं जाना नहीं जाना अनाविया, तो आज तो नए वाली बिल्डिंग में सारे बच्चे शिफ्ट हो गए, लेकिन हमारा ऑफिस वहीं पर पुरानी वाली बिल्डिंग में, बच्चे इधर होंगे और मैं अलग से होंगी। अभी तकरीबन तैयारी मैंने कर ली है, शूज़ वगैरह पहन लिए मैंने, तो थोड़ी देर में तैयारी करती हूँ मुकम्मल, नाश्ता करूँगी इसके बाद स्कूल। आज कौन से स्कूल में जाओगी आप? मैं नए स्कूल में, नई वाली बिल्डिंग ही में, और फूफो तो दूसरी वाली पुरानी वाली जगह जाएगी, पुरानी वाली बिल्डिंग में। फिर क्या करोगी? उधर आप खेलेंगे। फूफो को याद करोगी या नहीं करोगी? बताओ ना, फूफो को याद करोगी? जब धूप निकलेगी तो फिर याद करूँगी। जब धूप निकलेगी तब फूफो को याद करोगी, सही है। और अंजलान तैयारी कर ली है, मुझे कुछ चीज़ें ला दी हैं क्योंकि उधर पुरानी बिल्डिंग में कैंटीन का मेरे ख्याल से हिसाब किताब कोई खास कोई नहीं है। गाड़ी आ गई है, अंजला जाने लगा है, नाभी अभी। चलो बेटा, मैं भी तैयार हो गई हूँ, अभी गाड़ी में बैठेंगे, वही रूटीन पूरा वीक रहेगी अब। चलो जी, चलो आ जाओ, आ जाओ। ऊपर चढ़ो ना भैया। बेटा छुट्टी हो गई है, देखो वापस आ गए हम स्कूल से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नया स्कूल कैसा था नाविया? नाविया नया वाला स्कूल कैसा था फिर? अच्छा अच्छा था। चलो आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाविया का तो बहुत अच्छा स्कूल लगा है। क्या किया है वहाँ पे? क्या बैठी? मैं टेबल में हैंड डाउन किया, हेड डाउन किया टेबल पे, हेड डाउन किया। ठीक है, सही है। तो लंच किया, कैंटीन गई, छुट्टी हो गई है। ठीक है, अब मैं स्कूल से आई हूँ, शदीद वाली मुझे भूख लगी थी। घर में बनी है कलेजी, बड़े मज़े की बनी है, अम्मी ने बनाई है। वहाँ पे स्कूल में कैंटीन वगैरह शिफ्ट हो गई है नई बिल्डिंग में, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो मुझे तो बहुत शदीद भूख लगी थी, ज़बरदस्त बनी हुई है। अच्छा फिर बताओ जी, स्कूल में मज़ा आया? मज़ा आया। कितना मज़ा आया आपको? अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा। हाथ ऊपर करके बोलो, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जरवा को? जरवा को क्या मजा आया? घर में रह के सबको तंग करके? और ईशाल को? शादी वाली को मजा आया? ये क्या है? काका है। अच्छा किसका है? बालू आपका? ईशाल का है। ईशाल बेबी फातिमा। ठीक है, सही है। और ये जरवा? जरवा फातिमा। और अनाबिया? और अनाबिया गुलफरान। ठीक है, सही है। इतने दिन वैसे कहाँ पे रही हो? इतने दिन कहाँ पे रही हो आप? हम आपको याद करते रहे सारे जी। मामा करे फुफो फुफो जी। अच्छा ये लो, ट्यूशन जा रहे हो? ठीक है जी, ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। आओ उनको छोड़ के वहां तक, मैं और ईशाल जा रहे हैं।
छोड़ने के लिए उनको गेट तक। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चलो जी वो चले गए, अब हम अंदर चलें। चलो आज मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी, काफ़ी दिन हो गए मैं सोच रही थी कि दिखाऊं। उस दिन मैंने भी देखा, मैं भी हैरान रह गई ये है क्या। तो यहाँ पे इस रूम में पड़ी हुई है ये देखें, इतने सारे माल्टे, इतने सारे। अभी तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गए, पहले तो ये बहुत सारे थे। अगर आपको याद हो तो नुमान भाई के घर वहाँ पे इतने सारे माल्टे के पौधे लगे हुए हैं, ये सारे माल्टे वहीं से आए हैं। इससे ज़्यादा तो हमने तकरीबन काट के इनका जूस निकाल लिया है। ये देखें अभी ये ख़राब होना शुरू हो गए हैं, फिर छोटे छोटे फ्रेश नहीं रहे ना, इस वजह से। इतने सारे थे वहाँ पे, उन्होंने उतार दिए, इतने खट्टे हैं कोई खा नहीं सकता, बड़ी मुश्किल होती है। इस वजह से हमने जूस निकाल के रख लिया था कि ज़रूरत हो तो इस्तेमाल करेंगे। अभी तो ये बहुत ही कम हो गई है, हर बार उनके माल्टे के पौधों पे इतने सारे माल्टे लगते हैं, बहुत फल लगता है इन्हें, काफ़ी ज़्यादा। अभी वहाँ पे नुमान भाई के घर वहाँ पे माल्टे के पौधे के अलावा अभी और पौधे लगा रहे हैं बहुत सारे फलों के। इस बार आड़ू लगाया था मैं, दो पौधे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पड़े थे वो, काफ़ी मकदार में। इसके अलावा और भी लगाए हुए हैं, पर ज़्यादा माल्टे लगे हुए हैं, लीमू भी लगे हुए हैं वहाँ पे। तो माल्टे फल ज़्यादा देते हैं पर खाने नहीं होते। अब देखें आराम से बैठा हुआ है, ये मुझे देख के पहले आ जाएगा नीचे। इसको यही होता है कि खेलना स्टार्ट कर लें। ये देखें अंगड़ाइयाँ ले रहा है, रखवाली सही करता है। अभी काफ़ी देर होगी, मगरब हो गई है, मुर्गे को जल्दी बंद कर देते हैं, आज काफ़ी देर होगी। इसको दाने डाल दिए थे और ये चुग रहा था। ये बंद कर दिए, अब ये दोनों खुद खुद अपने रूम में चले जाएंगे, इनका कोई नहीं। रात को जब भी बंद करते लेकिन उठेंगे नहीं यहाँ से। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मज़ीद खूबसूरत और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए दोबारा मिलूंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।